2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं, 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहाँ से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूँ कि उड़ीसा की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं, इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं, मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा, आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है, बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा घर करके ही रखा था, इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है, वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है और मैं देख रहा हूँ कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुँच गए। लोकसभा में इस बार में क्लीन स्वीप देख रहा हूँ, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है, आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं, सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं,
वो तो सीधा साधा सबूत है और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हाँफने लग जाती हैं, ये हालत हुई है। और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपया जब्त तो हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसे आए कहाँ से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के पीठ में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं, हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और मोदी की ये गारंटी है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC ST OBC उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है, वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूँ मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA का विजय होगा। दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उड़ीसा, ABP News। तो आप